Okay, so we are continuing our chapter enhancement in food production, and under enhancement in food production we have started the animal husbandry. And before this lecture we have studied about the various methods of animal breeding. तो एनिमल्स को ब्रीडिंग कैसे करना है, इन ब्रीडिंग किसको कहते हैं, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और मल्टीपल ओव्यूलेटेड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ऑल दीज टॉपिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक जो है वो स्टडी किए हैं. तो अभी हम जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हमको स्टडी करना है डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री और हनी बी कल्चर है, फिशरी इंडस्ट्री है. तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ को हमको स्टडी करना है. इन इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करते वक्त हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको इनके अंदर जो है इनके मैनेजमेंट, वेरियस टाइप के ब्रीड्स, फार्म एनिमल कौन से अच्छे हैं, उनके नाम, उनकी ब्रीड्स के नाम हमको याद रखने हैं. तो हमारी जो पहली इंडस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री में जो हम स्टडी करेंगे, तो वो हम डेयरी इंडस्ट्री स्टडी करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट या कि डेयरी इंडस्ट्री. तो पहले हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट के कुछ बेसिक्स को स्टडी करेंगे कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या आता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आती है वो होती है हमारा, वो है हमारे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स. तो जो पूरा डेयरी फार्म मैनेजमेंट है ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को प्रोसेस करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसके वेरियस प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट करना मिल्क को, ये सारा कुछ इसमें आता है. तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है इसको बूस्ट किया गया हमारे गवर्नमेंट के थ्रू इन 1970 में, और इसी को नाम दिया गया वाइट रिवॉल्यूशन का. तो वाइट रिवॉल्यूशन जो है ये मिल्क और मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया. फिर इंडिया में जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके लिए ज़्यादा करके काउज और बफेलो, ये दो एनिमल्स को यूज़ किया जाता है. और बफेलोस का जो यूज़ है, इनको पालने का जो तरीका है, ये इंडिया और कुछ अदर एशिया के कंट्रीज़ के अंदर ही देखने को मिलता है. यूरोपियन कंट्रीज़ में या ब्रिटेन वगैरह में जो है बफेलोस को मिल्क के प्रोडक्शन के लिए नहीं पाला जाता है, वहाँ पे काउस को ही मिल्क के प्रोडक्शन के लिए पालते हैं. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हमको यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड अदर सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हमको बफेलोस को और काउस को स्टडी करना है. कुछ अपने यहाँ के ब्रीड्स को स्टडी करना है, इंडियन ब्रीड्स को, और फिर कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स को स्टडी करना है. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को हम स्टडी करते हैं. अब हम देखते हैं कि डेयरी फार्म को मैनेज कैसे किया जाए, मतलब डेयरी फार्म का जो मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी अगर हमको जो है कोई डेयरी फार्म डालना है तो हमको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. ये बहुत ही जनरल बातें हैं और आप इनको बस एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी. कोई इसमें ख़ास रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है, एक्सेप्ट वन, आपको इसमें जो काउस के और बफेलो के जो नाम दिए हुए हैं बस खाली वही एक चीज़ रट्टा मारनी पड़ेगी. बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ही जनरल हैं, आप समझ सकते हैं. जैसे कि अगर सपोज़ कर लो कि हमको मैनेज करना है डेयरी फार्म हो, पोल्ट्री फार्म हो, या कोई भी एनिमल ब्रीडिंग का फार्म, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड. हम अच्छी ब्रीड सिलेक्ट करेंगे. अब अच्छी ब्रीड का मतलब ये कि ऐसी ब्रीड हो जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हों, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ में उनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर हो, और नॉर्मल फोडर के ऊपर जो है उनको रियर किया जा सके, उनकी कोई ख़ास डिमांड्स ना हो. डिजीज़ रेजिस्टेंस होना एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसके लिए ज़्यादा करके जो एनिमल ब्रीडर्स होते हैं वो सर्च करते हैं अलग अलग टाइप के ब्रीड्स को,
और यही पर्पज़ होता है डिफरेंट टाइप की जो ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं उनको परफॉर्म करने का। तो कुछ अच्छे इंडियन ब्रीड्स जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाले हैं उनका यहाँ पर जो है वो नाम लिखा हुआ है। जैसे इसके अंदर इंडियन ब्रीड्स के अंदर इंडियन ब्रीड्स ऑफ काओ, मतलब इंडिया की जो काओ की ब्रीड्स हैं उसके अंदर तीन इम्पॉर्टेंट हैं जिनको पाला जाता है, और वो है साहिवाल, सिंधी और गिर, ये तीन हैं। फिर ऐसे ही आती हैं एग्जॉटिक ब्रीड्स। तो एग्जॉटिक ब्रीड्स किसको कहते हैं? एग्जॉटिक ब्रीड्स वो होती हैं जिनको हम बाहर से ला करके अपने यहाँ इंडिया में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको पालते हैं और फिर उनको इंडियन ब्रीड्स के साथ में क्रॉसिंग करवाते हैं, तो इनको एग्जॉटिक ब्रीड्स कहते हैं। इंडियन ब्रीड्स को इंडिजीनस ब्रीड्स भी कहा जाता है। तो इंडिजीनस ब्रीड्स तीन नाम हैं, साहिवाल, सिंधी, गिर। सिंधी को जो है रेड सिंधी भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑरेंज या रेड कलर की होती है या लाइट ब्राउनिश कलर की होती है। एग्जॉटिक ब्रीड्स में आ जाती हैं हमारे यहाँ जर्सी, ब्राउन स्विस जो कि स्विट्ज़रलैंड से इंट्रोड्यूस की हुई है, और होल्स्टीन जो कि इंग्लैंड से ला करके इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको। फिर बफेलो की ब्रीड, जैसा मैंने बताया कि इंडिया और एशिया की कुछ ही कंट्रीज़ में बफेलोस को मिल्क पर्पज़ के लिए पाला जाता है, तो बफेलो की जो ब्रीड्स हैं उसमें आ जाती हैं जाफराबादी आ जाती है हमारे यहाँ, जाफराबादी ब्रीड है। फिर मेहसाना ब्रीड है, मुर्रा है, नीली रावी है, सूरती है और नागपुरी है। तो ये कुछ नाम यहाँ लिखे हुए हैं इस लाइन में, तो इनको आप ये नाम याद रखेंगे। बफेलो की ब्रीड में जाफराबादी, मेहसाना, मुर्रा, नीली रावी, सूरती और नागपुरी। फिर अगली चीज़ जो हमको यहाँ पर ख्याल रखना है वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फोडर, मतलब हम कितनी क्वालिटी में और कैसा फोडर अपने एनिमल्स को खिलाएंगे कि जिससे हमको मिल्क ज़्यादा मिलेगा और अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। तो नॉर्मली तो हम चारा खिलाते हैं, जो अलग अलग टाइप का जो घास फूस होता है वही खिलाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक अच्छी क्वालिटी का चारा आता है जिसको सिलेज कहा जाता है। तो सिलेज एक्चुअली जो होता है ये लेग्यूम, मेज़ और जवार, ये इनका मिक्सचर होता है, इसमें सब कुछ होता है, तो इस पूरे मिक्सचर को सिलेज कहते हैं। अभी आजकल जो है बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, तो सिलेज जो है इसको फर्मेंटेशन से भी बनाया जाता है। तो सिलेज बनाने के लिए आजकल क्या करते हैं, लेग्यूम्स जो होते हैं अपने फली वाले जो पौधे होते हैं उनको लेग्यूम्स कहते हैं, इनको और मेज़ को और जवार को, ये सब को मिक्स करके इसको फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं और इसको फर्मेंट होने देते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के एक्शंस के थ्रू उसके अंदर प्रोटीन्स का, विटामिन्स का और कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है, और फिर ये सिलेज जो है इसको केक के फॉर्म में या के फिर जो है इसको छोटे छोटे ऐसे लड्डू जैसे बना लेते हैं और फिर इनको खिलाया जाता है एनिमल्स को। तो इससे मिल्क की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और मिल्क की क्वालिटी भी जो है इम्प्रूव हो जाती है, मतलब उसमें प्रोटीन कंटेंट, अमाइनो एसिड कंटेंट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इम्प्रूव हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर हमको जहाँ पर हमने एनिमल्स को पाला है उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस है और हाइजीन ऑफ द फार्म है। हमको एनिमल्स को जो है साथ ही प्रॉपर वेंटिलेशन देना होगा, यानी उनको हवा आना चाहिए प्रॉपर, एकदम क्लोज्ड अगर हमने अपने फार्म को बंद करके रखा है सब तरफ से, उसमें खिड़की दरवाजे नहीं लगाए हैं या दरवाज़ा एक ही लगाया है, खिड़कियाँ कम लगाई हैं, तो उसकी वजह से भी जो है एनिमल्स के अंदर सफोकेशन होने के चांसेस हैं, अलग अलग टाइप की बीमारियाँ फैलने के चांसेस हो जाते हैं। तो वेंटिलेशन है, लाइटिंग का इंतज़ाम होना चाहिए और एनिमल्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, मतलब जहाँ पर हमने एनिमल्स को रखा है तो दो एनिमल्स को जहाँ हमने बांधा है वहाँ पर उनके बीच में जो है स्पेस होना चाहिए, तो प्रॉपर स्पेसिंग रखना चाहिए एनिमल्स को। फिर वीकली या मिनिमम जो है मंथली हमको डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए ताकि वो डॉक्टर जो है
रेगुलर वेटरिनरी डॉक्टर का विजिट रखना चाहिए हमारे फार्म में। तो वो डॉक्टर आएंगे और फार्म को विजिट करेंगे, एनिमल्स को चेक करेंगे कि एनिमल्स में कोई टाइप की डिजीज़ तो नहीं फैल गई है। तो हमको वेटरिनरी सुपरविज़न रखना पड़ेगा, डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, जानवरों के डॉक्टर को, और एनिमल्स का वो चेकअप करेंगे। अगर कोई एनिमल को कोई डिजीज़ है तो उसको वहाँ से अलग किया जाएगा, या कि फिर जो है अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं किसी एनिमल में कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के, तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, एनिमल्स को टीके लगाए जाएंगे, ये सारा कुछ करना चाहिए। नहीं तो डिजीज़ फैल जाएंगी तो एक साथ में कई एनिमल मर जाएंगे, तो बहुत फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। फिर ऐसे ही फैसिलिटीज़ ऑफ प्रॉपर मिल्किंग, जो जिसने फार्म कायम किया बनाया है उसको चाहिए कि उसको प्रॉपर मिल्किंग फैसिलिटीज़, प्रॉपर मिल्किंग टेक्निक भी आना चाहिए, और मिल्क को स्टोर करने के जो प्रोसेसेस हैं अलग अलग प्रोसेसेस, उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ना सिर्फ उसको स्टोर करने के, बल्कि उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं, तो मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट आप जानते हैं, जैसे कि कर्ड आ जाता है इसके अंदर, बटर है, घी है, खोआ आ जाता है, चीज़ है, कंडेंस्ड मिल्क है, छाछ, वो सब आ जाता है इसमें। तो इसमें कन्वर्जन करने आना चाहिए, इनको स्टोर करने आना चाहिए, और ना सिर्फ इनको कन्वर्ट करके स्टोर करने, बल्कि इनको मार्केटिंग करना भी आना चाहिए। तो मार्केटिंग में जो लोग इसको ख़रीदते हैं और जो लोग इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उनसे पहचान होना चाहिए, उनसे रेगुलर बेसिस पर कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तो हम इसको जो है मार्केट में सेल करके फिर उससे बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हैं, कुछ एडिशनल इनकम भी जो है डेयरी इंडस्ट्री से मिल जाती है। जैसे जो डंग होता है एनिमल का, जो गोबर होता है एनिमल का, वो फ्यूल मैनुअर यानी खाद बना सकते हैं, फ्यूल केक्स बना सकते हैं जिनको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि गोबर के जो है वो ओपले बनाते हैं और उनको बाद में जो है जला करके फिर उससे उसके ऊपर खाना वगैरह पकाया जाता है, तो उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। गांव में आपने देखा होगा दीवारों पर जो है वो गोबर के ओपले लगे हुए, गोबर गैस इससे बनाई जाती है फर्मेंटेशन टेक्निक के थ्रू। तो ये सारे जो है इसके एडिशनल इनकम है जो हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारा डेयरी मैनेजमेंट। अब हम कुछ एनिमल्स देख लेते हैं जो अभी हमने देखे, तो हम एनिमल्स देखते हैं अभी। काउज और बफेलोज के कुछ कॉमन काउ ब्रीड्स पहले देखेंगे हम लोग। तो काउ की ब्रीड्स में आप यहाँ देख सकते हैं, तो जो कॉमन काउ ब्रीड्स हैं इसके अंदर, यहाँ गिर है, साहिवाल है, कंकरेज नाम की एक काव दिखाई गई है, रेड सिंधी देख सकते हैं आप, काफ़ी जायंट एनिमल है। फिर होल्स्टीन काव यहाँ पर मैंने जो है वो अलग से आपके लिए एक फ़ोटोग्राफ दिखाई है, होल्स्टीन, ये है होल्स्टीन काव। क्या ख़ास बात है इसके अंदर, होल्स्टीन के अंदर ये सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली काव है, एक्जॉटिक ब्रीड है, बाहर से लाके इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इंडियन ब्रीड में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो काव है वो है ये साहिवाल, जिसको पंजाब में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो साहिवाल और रेड सिंधी ये दोनों जो है वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसमें साहिवाल जो काव है ये एक दिन में लगभग 15 से 16 लीटर तक का जो है मिल्क प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही जो होल्स्टीन है ये एक दिन में 20 से 22 लीटर तक का जो है मिल्क प्रोड्यूस करती है। फिर नेक्स्ट कुछ बफेलो की स्पेसीज, यहाँ पर मैंने एक बफेलो दिखाया है, मेहसाना। मेहसाना कॉमन बफेलो है, जो आपने ये बफेलो को बहुत सारे अपने जो तबेले होते हैं, फार्म होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा। तो इससे भी जो है वो एक एनिमल से एक दिन में जो है 12 से 13 लीटर तक का मिल्क ऑब्टेन हो जाता है। तो ये कुछ स्पेसीज थी हमारी, ब्रीड्स थी बफेलो की और काओ की। नेक्स्ट जो हमको इंडस्ट्री स्टडी करना है वो है हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री। तो पोल्ट्री में क्या क्या आता है, आपने पोल्ट्री नाम तो सुना ही है, अब इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं। तो इसके अंदर जो है बर्ड्स आते हैं, जैसे चिकन हो गए, टर्की हो गए, टर्की जिसको तीतर बोलते हैं हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में, फाउल्स हो गए, और डक्स हो गए, बतख, क्वेल्स हो गए, क्वेल्स जिसको बटेर बोला जाता है, बटेर छोटे होते हैं ब्राउनिश कलर के, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। और इसमें क्या आता है, एनिमल्स को हम जो है वो नॉर्मली
दो पर्पज़ से डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं। एक तो मीट हमारा पर्पज़ होता है और दूसरा जो है वो एग्स। तो मीट और एग्स ये दो पर्पज़ होते हैं एनिमल्स को पालने के लिए। फिर दो टाइप के जो है वो चिकन के ब्रीड्स होते हैं। कुछ ऐसे ब्रीड्स होते हैं जिनको ब्रॉयलर्स बोला जाता है, नाम सुना होगा आपने ब्रॉयलर्स का। तो ब्रॉयलर्स जो होते हैं इनको मीट के लिए पाला जाता है। तो ब्रॉयलर्स जो होते हैं इनका मेन पर्पज़ जो होता है ये मीट होता है। आपने देखा होगा जो मार्केट में ब्रॉयलर मिलते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, 1.5 किलो के, 2 किलो के, 1 किलो के बड़े बड़े जो ब्रॉयलर्स होते हैं, इनको मीट पर्पज़ के लिए पालते हैं। इनकी फीडिंग भी अलग होती है, इनको अलग तरह का खाना खिलाया जाता है ताकि ये जल्दी मैच्योर हों और इनका वेट गेन हो, बढ़ें, ताकि इनको मार्केट में जल्दी इंट्रोड्यूस किया जा सके। फिर दूसरी जो टाइप होती है उनको कहा जाता है लेयर्स। लेयर मतलब एग ले करने वाले, ज़्यादा अंडे देने वाले। तो जो लेयर्स होते हैं ये, इनकी फीडिंग अलग होती है और इनकी ब्रीड को सिलेक्ट किया जाता है। तो जो फार्म के जो अंडे आते हैं वो लेयर्स से ही ऑब्टेन होते हैं। हम अभी देखेंगे कौन कौन से टाइप के इसमें ब्रीड्स आते हैं। जैसे हमने डेयरी फार्म के लिए देखा, ऐसे ही हम पोल्ट्री के लिए भी देखेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म। हम पोल्ट्री फार्म की या पोल्ट्री इंडस्ट्री को कैसे मैनेज करें। तो पहला पॉइंट जो है इसके अंदर सेम है जैसा कि डेयरी में था, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। हम अच्छी नस्ल की या अच्छी ब्रीड की एनिमल्स को, बर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, अब इसमें ओरिजिन की बेसिस पर 5 अलग अलग तरह की ब्रीड्स होती हैं। ओरिजिन के बेसिस पर है, मतलब कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई हैं। इंट्रोड्यूस तो थ्रू आउट द वर्ल्ड किया गया उनको, लेकिन ओरिजिन की बेसिस पर जो पहली ब्रीड है वो है हमारे अमेरिकन ब्रीड्स। तो अमेरिकन ब्रीड्स में आ जाते हैं प्लाइमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड। इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा इनको, तो कोई और इसका तरीका तो है नहीं, रट्टा मारना ही पड़ेगा, नाम है एनिमल के। तो प्लाइमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड। फिर जो दूसरी कैटेगरी की हमारी ब्रीड है वो है एशियाटिक ब्रीड, जिनको एशिया के अलग अलग एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया, इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें आ जाती है ब्रह्मा एक ब्रीड है, कोचिन, लैंगशन, 3 है, ब्रह्मा, कोचिन, लैंगशन। फिर है मेडिटेरानियन ब्रीड। मेडिटेरानियन ब्रीड जो है ये मेडिटेरानियन सी के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, मतलब वेस्ट अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इनको पाला जाता है। तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट ब्रीड आती है जो इंडिया में भी पाली जाती है, लेग हॉर्न, ये आपको याद रखना है, लेग हॉर्न और मिनोरका, 2 ब्रीड्स हैं। तो लेग हॉर्न जो है यहाँ पर, ये लेग हॉर्न, ये जो ब्रीड है, जस्ट वेट, ओके, तो यहाँ पर जो लेग हॉर्न ब्रीड है हमारी, लेग हॉर्न ये वाली ब्रीड, ये बहुत खास है क्योंकि ये बेस्ट लेयर है, आगे के पॉइंट में आपको मिल जाएगा। ये ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड है और इंग्लिश ब्रीड्स में जो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में पाली जाती हैं, इन ब्रीड्स के अंदर, इसके अंदर आ जाती है ऑस्ट्रालॉर्प, डॉर्किंग, कॉर्निश और पिंगटन। तो अपनी बुक में सिर्फ ऑस्ट्रालॉर्प का नाम दिया हुआ है, बस एक ही का नाम दिया हुआ है, मैंने ये 3 नाम और अपनी तरफ से लिख दिए यहाँ पर, आप सिर्फ ऑस्ट्रालॉर्प याद रखिए इसमें। फिर कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं। अब इंडियन ब्रीड्स में चिटागोंग, असील मुर्गी जो होती है उसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है और साइज़ में बड़ी होती है ये, और असील के बाद में ब्रह्मा और नेकेड नेक, आपने देखा होगा कुछ मुर्गियों के गर्दन पर जो है वो बाल नहीं होते हैं, नेक पर बाल नहीं होते हैं, मतलब फीदर्स नहीं होते हैं, तो वो नेकेड नेक होती है। और कड़कनाथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया में, इसकी बहुत डिमांड है, ब्लैक कलर की होती है और इसका मीट भी जो है वो ब्लैक होता है, इसका एग जो है वो भी ब्लैक होता है, तो बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। मध्य प्रदेश में जो है इसको ज़्यादा पाला जाता है और मध्य प्रदेश के जो साइड के स्टेट्स हैं वहाँ पर। और
गवर्नमेंट भी जो है इसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करती है जो फार्मर्स होती हैं उनको। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है मैनेजमेंट में वो है लेग हॉर्न का। लेग हॉर्न आप याद रखो, दिस इज़ द बेस्ट लेयर, ज़्यादा अंडे देने वाली। एक स्पॉनिंग सीज़न में, मतलब एक बार जब मुर्गियां अंडे देना शुरू करती हैं तो उसको स्पॉनिंग सीज़न बोलते हैं। नॉर्मल जो अपने घरों में जो देसी मुर्गी हम लोग पालते हैं, कहीं जो हमने देखा होगा गाँव वगैरह में पली हुए, तो वो मुर्गियाँ जो है वो एक स्पॉनिंग सीज़न में 10 से 12 अंडे देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन लेगहॉर्न जो है, लेगहॉर्न ये एक स्पॉनिंग सीज़न में जो है वो 20 से 22 एग्स तक देती है, और हर मंथ इसका स्पॉनिंग सीज़न रिपीट होता है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हर मंथ ये मुर्गी जो है ये 20 से 22 अंडे देती है। तो ये बेस्ट लेयर मानी गई है। और ज़्यादा करके जो हमारे यहाँ शॉप में जो एग्स मिलते हैं एग सेंटर में, वो इसी मुर्गी के अंडे होते हैं। इनके लिए भी मैनेजमेंट तो तकरीबन सेम ही है। हमको इनके फार्म को वेंटिलेटेड रखना होगा, प्रॉपर फीडिंग, और मुर्गियों को क्या खिलाएंगे, ग्रेनिवरस होते हैं तो अलग अलग टाइप के जो ग्रेन्स होते हैं ज्वार बाजरा ये सब खिलाएंगे, लाइटिंग रखना होगा, वाटर की सप्लाई प्रॉपर रखना होगा, और फ्लोर स्पेसिंग रखना होगा, यानी बहुत क्राउडेड ना हो फार्म जो है वो, बहुत क्राउडेड ना हो। तो फ्लोर पर मुर्गियां जहां पर दाना चुगती हैं वहां पर स्पेसिंग होना चाहिए, नहीं तो आपस में उनके झगड़ा हो जाएगा। फिर डी बीकिंग करना होता है, एक टेक्निक। इसमें क्या करते हैं डी बीकिंग में क्या करते हैं, मुर्गियों की जो बीक होती है, उनकी जो चोंच होती है बीक, उसको जो है एक ग्राइंडर मशीन टाइप का एक पत्थर होता है, स्टोन ग्राइंडिंग मशीन टाइप का, उसके ऊपर उसकी उनकी जो बीक होती है उसको रगड़ देते हैं, तो वो जो बहुत शार्प होती है उसको ब्लंट बना देते हैं। मतलब मुर्गी की जो चोंच होती है वो इस तरह से बहुत शार्प होती है। अब इसको ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर रगड़ देंगे तो ये ऐसा ब्लंट हो जाती है, तो वो अगर एक दूसरे से लड़ेंगी भी तो एक दूसरे को इंजर नहीं करेंगी, नहीं तो एकदम शार्प चोंच रहेगी तो एक दूसरे को मारेंगी और इंजरी हो जाएगी किसी मुर्गी को जो है, वो ब्लीडिंग हो जाएगी, फिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा और मुर्गियाँ जो है वो मरने लग जाएंगी। तो ये करना होता है, डीबीकिंग करना होता है। जैसे ही जो अपने फाउल्स होते हैं, जो चूज़े होते हैं, जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं, चिक्स जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो उनकी डीबीकिंग करनी होती है। तो ये भी एक टेक्निक है पोल्ट्री फार्म में मैनेजमेंट में। यहाँ पर भी हमको जो है वो वेटरीनरी सुपरविज़न रखना होता है, डॉक्टर को बुलाना होता है रेगुलर चेकअप के लिए, पोल्ट्री डिजीजेस के लिए। अलग अलग टाइप की पोल्ट्री डिजीजेस होती हैं, हम देखेंगे अभी कौन कौन सी डिजीजेस हैं, नाम हमको खाली याद रखना है डिजीजेस के। तो नीचे कुछ कॉमन डिजीजेस के नाम दिए हुए हैं, जैसे वायरल डिजीज़ के अंदर रानी खेत ये एक डिजीज़ है, तो रानी खेत नाम की एक डिजीज़ है। ब्रोंकाइटिस है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू, जैसे हमने देखा था अभी कुछ आज से 10-12 साल पहले बर्ड फ्लू बहुत फैल गया था, तो बर्ड फ्लू ये ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, वायरल डिजीज़ है। क्योंकि ये ज़्यादा करके जो ये डिजीज़ हैं ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं, और ड्रॉसीनेस फील होता है मुर्गियों को, देखेंगे आप तो ड्रॉसी हो जाएंगे। ड्रॉसी मतलब ऐसे खड़े रहेंगे और खड़े खड़े जो है उनकी आँख बंद हो जाएगी और उनका हेड जो है वो नीचे ड्रूपिंग हो जाएगा, हेड नीचे गिरने लग जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं रानी खेत के। फिर कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर कॉलरा है, टाइफॉइड है, पोलोरम है, टीबी है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, ये सब बैक्टीरियल में आती हैं। फिर ऐसे ही कुछ फंगल डिजीज़ हैं, फंगल के अंदर एस्परजिलोसिस कॉमन है, फेवस है, थ्रश है, ये सब फंगल इन्फेक्शन हैं। यूजुअली फंगल इन्फेक्शन के अंदर जो है यहाँ मुर्गियों को जो है वो फीवर आने के साथ साथ उनके जो फीदर होते हैं वो फीदर भी जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। स्किन ज़्यादा अफेक्ट होती है इनकी। कुछ पैरासाइटिक डिजीज़ हैं जिसमें राउंड वर्म है, और राउंड वर्म के साथ में जो है सीकल वर्म है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, सीकल वर्म, तो राउंड वर्म हो गया, सीकल वर्म हो गया। फिर लाइस का इन्फेक्शन होता है, आपने सुना होगा मुर्गियों को जो है वो उनको जू हो जाता है, लाइस हो जाते हैं, टीक्स हो जाते हैं उनके फीदर में, तो लाइस इन्फेक्शन है, ये सब पैरासाइट्स होते हैं। कुछ प्रोटोजोवन डिजीज़ हैं जिसके अंदर
कॉक्सीडियोसिस एक इम्पॉर्टेंट नाम है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है और ट्राइकोमोनियासिस है। तो ट्राइकोमोनियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये कुछ डिजीजेस हैं कॉक्सीडियोसिस जो के कॉमन पोल्ट्री डिजीजेस में आते हैं। नेक्स्ट अभी हम कुछ ब्रीड्स के फोटोग्राफ देख लेते हैं जो के कॉमन पोल्ट्री एनिमल्स हैं, कॉमन एग्जॉटिक पोल्ट्री ब्रीड्स जो अभी हमने नाम पढ़े हैं उन्हीं के। फोटोग्राफ टेक्स्ट बुक में नहीं है, फोटोग्राफ आपको बस यूं ही मैं बता ले रहा हूँ ताकि आपको नाम और फोटोग्राफ को कोलाबोरेट करने में आसानी रहे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग न्यू हैम्पशायर, ये है अपना वाइट लेगहॉर्न जो कि बहुत कॉमन है, अक्सर दिखता है अपने को फार्म में या रूरल एरियाज में अगर हम जाएंगे तो। फिर है लाइट ससेक्स, प्लाइमाउथ रॉक आप यहाँ देख रहे हैं। असील जो होता है वो यहाँ पर नहीं है पर उसकी लंबी गर्दन होती है, ये ऑस्ट्रालॉर्प आप यहाँ पर देख रहे हैं। और रोड आइलैंड रेड, रेड कलर का होता है ये। तो ये कुछ पोल्ट्री ब्रीड्स हैं कॉमन। कड़कनाथ मैंने अलग से आपको निकाल के दिखाया क्योंकि इंडिया में ये बहुत फेमस है, तो कड़कनाथ ब्रीड का फ़ोटो आप देख लीजिए, सो ब्यूटीफुल, पूरा पूरा ब्लैक कलर, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। अंडे देख लीजिए इसके कैसे हैं ब्लैक कलर के, मुंह खोल करके दिखाया हुआ है कि अंदर भी ब्लैक है, मुंह के अंदर भी। इवन इसका जो मीट होता है वो भी जो है ब्लैक ही होता है और हाईली हाईली न्यूट्रिशियस है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी ब्रीड है। और अपना जो कॉमन चिकन आता है, ब्रॉयलर चिकन जो मार्केट में मिलता है, वो तो उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है, पर ये चिकन अगर आपको कहीं मिले और आप नॉनवेज खाते हैं तो इसको मिस मत करना। तो ये जो है बहुत सारे जो है ऐसे डिजीजेस हैं और बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं उनको ख़त्म करता है। 600 to 700 पर केजी, मतलब एक किलो मीट या चिकन जो है वो आपको 600 से 800 रुपीज़ तक मिलता है इसका। यहाँ अपने यहाँ भिवंडी में तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसको जो है ये जो मध्य प्रदेश या उससे लग करके जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर इसको रियर किया जाता है, तो वहाँ पर जो है इसको ये डायरेक्ट मिल सकता है हमको। कड़कनाथ नाम याद रखना, बहुत ही कड़क है न्यूट्रिशन को लेकर के। तो यहाँ पर जो है हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने दो इंडस्ट्रीज़ को स्टडी किया, एक डेयरी इंडस्ट्री को स्टडी किया डिटेल में और दूसरा पोल्ट्री इंडस्ट्री को डिटेल में इंडस्ट्री को स्टडी कर लिया हमने, और साथ में जो है फोटोग्राफ्स भी देख लिए अलग अलग फार्म एनिमल्स के, पोल्ट्री के लिए भी और उसके पहले हमारे डेयरी इंडस्ट्री वाले भी। तो यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा, हमारी जो इंडस्ट्री हमको स्टडी करने में रहेगी वो है हनी बी कल्चर, मतलब हनी बीज को कैसे पालते हैं, और फिशरी इंडस्ट्री। तो ये दो को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में